हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास फोर्थ ईवीएस इन टूडेज क्लास वी रीड चैप्टर फाइव वेज ऑफ रिक्रिएशन रिक्रिएशन क्या होता है जब हम पूरे दिन काम करके थक जाते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं रिलैक्स होने के लिए जो भी हम करते हैं वो सब रिक्रिएशन के वेज होते हैं वेज मीन्स तरीके रिक्रिएशन होने के तरीके रिक्रिएशन मीन्स रिलैक्स तो जो टाइम हम रिलैक्स होने के लिए यूज़ करते हैं वो रिक्रिएशन टाइम होता है और जिस मेथड से हम रिक्रिएट हो रहे हैं जैसे कि हम खेल करके अपना दिल बहलाते हैं कुछ पढ़ कर या डांस करके या सॉन्ग सिंग करके तो उन सबको जिससे हमें वापस अपनी एनर्जी मिल जाती है उसको हम क्या कहेंगे रिक्रिएशन की वेज डूइंग समिंग टू रिलैक्स इज कल रिक्रिएशन रिलैक्स होने के लिए जो भी हम करते हैं वो सब रिक्रिएशन होता है पीपल रिलैक्स एंड ए फन इन डिफरेंट वेज पीपल रिलैक्स होते हैं और अलग अलग तरीके से फ़न करते हैं फन मीन्स मज़े करते हैं जैसे कि गेम्स बच्चों को तो गेम्स बड़े पसंद है वी आल लव टू प्ले गेम्स सबको ही गेम्स पसंद है गेम्स रिफ्रेश आवर माइंड्स एंड वी फील रिलैक्सड गेम्स हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं जो थका हुआ माइंड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है और हम रिलैक्स भी फील करते हैं गेम्स खेलने से थकावट से ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ठीक है तो और गेम्स से एनर्जी भी मिलती है हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है एकदम गेम्स कैन भी आउटडोर गेम्स दो टाइप्स के होते हैं एक तो आउटडोर गेम्स एक इनडोर गेम्स आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं तो गेम्स कैन भी आउटडोर लाइक क्रिकेट हॉकी फुटबॉल एक्सेट्रा और इनडोर लाइक चेस लूडो और कैरम एक्सेट्रा तो जो गेम्स हम घर के अंदर खेल पाते हैं उनको हम इनडोर गेम्स कहते हैं जैसे यहाँ पिक्चर में दे रखा है चेस प्ले कर रहे हैं यहाँ कैरम प्ले कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें वो घर में ही प्ले कर रहे हैं तो ये इंडोर गेम्स हो गए इसके अलावा जैसे फ़ुटबॉल गेम फुटबॉल का मैच है क्रिकेट मैच है हॉकी है ये सब हम बाहर ग्राउंड में खेल पाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे आउटडोर गेम ये घर में नहीं खेल पाते हम गेम्स म्यूजिक प्रोग्राम्स पपेट शो एंड फेयर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ये आ, जो गेम्स है या म्यूजिक प्रोग्राम या पपेट शो यानी कि कठपुतलियों का शो या मेला ये सब रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हैं चिल्ड्रेंस लव टू प्ले आउटडोर गेम्स हेल्प द चिल्ड्रन टू यूज देयर एनर्जी इट आल्सो मेक्स देम हैप्पी दे आल्सो गेट टू मीट देयर फ्रेंड्स जब हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो हम हमारे फ्रेंड्स से मिलते हैं हमारे एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें है वो काम आती है आउटडोर गेम खेलने से हम हैप्पी मूड में आ जाते हैं ऑल द अबा एक्टिविटीज़ आर नोन एज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ मैंने ऊपर बताई हैं आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स खेलने की या इनके अलावा वो सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं दे आर वेरी इमपॉटेंट फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ये हमारे फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है यानी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी प्लस हमारे माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी तो जिसको अपना माइंड भी शार्प करना है तो उसे भी गेम्स खेलने चाहिए स्पेशली आउटडोर गेम्स तो इससे माइंड प्लस बॉडी दोनों ही डेवलप होते हैं ठीक है और एनर्जी भी बढ़ जाती है सो डू दिस एंड रीड दिस चैप्टर थैंक यू